वेलकम टू ऑनलाइन MPTRI क्लासेस। टुडे आई विल डील टॉपिक टू डर्मेटोफाइट्स। पिछले क्लास में बताए थे माइकोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। नेक्स्ट है डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स आर ए ग्रुप ऑफ फंगाई दैट इन्फेक्ट ओनली सुपरफिशियल केराटिनाइज्ड टिश्यू स्किन हेयर एंड नेल्स विदाउट इन्वॉल्विंग द लिविंग टिश्यू। यानी डर्मेटोफाइट्स एक फंगस का ग्रुप है। ये इसका इन्फेक्शन कहाँ होता है, तो सुपरफिशियल केराटिनाइज टिश्यू, सुपरफिशियल केराटिनाइज लेयर में, स्किन में, हेयर में, नेल्स में, विदाउट इन्वॉल्विंग द लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू को बिना इन्वॉल्व किए ये कैसा, किस टाइप का फंगस, तो ईस्ट लाइक फंगस, यानी यह ओवल राउंडेड शेप का होता और चेन लाइक में भी मिलता। दे आर इनकेपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये सबक्यूटेनियस टिश्यू को पेनिट्रेट करने के एबल नहीं रहता। इससे होने वाले डिजीज को डर्मेटोफाइटोसिस के नाम से जानते हैं। यानी डर्मेटोफाइट्स कॉज डर्मेटोफाइटोसिस डिजीज, जिसका दूसरा नाम टीनिया और रिंग वर्म है। टीनिया का लैटिन वर्ड होता है वर्म और रिंग वर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ डर्मेटोफाइट में इसका तीन जीनस है, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मेटोफाइटोन। इन सबसे अलग अलग कहाँ कहाँ किस साइड इन्फेक्शन होता है, तो हेयर में, स्किन में, नेल्स में, ट्राइकोफाइटोन। इस स्पीसी से तीनों में इन्फेक्शन होता है, हेयर में, स्किन में, नेल्स में। माइक्रोस्पोरम से कहाँ कहाँ होता है, तो हेयर में एंड स्किन में। और एपिडर्मेटोफाइटोन से कहाँ होता है, तो स्किन में एंड नेल में। नेचुरल हैबिटेट और होस्ट के अकॉर्डिंग भी डर्मेटोफाइट्स का क्लासिफिकेशन है। एक तो पहला एंथ्रोपोफिलिक स्पीसीज, नेक्स्ट है जूफिलिक स्पीसीज, नेक्स्ट जियोफिलिक स्पीसीज। एंथ्रोपोफिलिक स्पीसीज यानी वैसा फंगल का स्पीसीज। ए फ्यू डर्मेटोफाइट्स हैव बिकम एडेप्टिव टू ह्यूमन होस्ट एंड अ टर्म एंथ्रोपोफिलिक, यानी वैसा फंगल का स्पीसीज जो जा करके ह्यूमन होस्ट में ग्रो करता है, ठीक है। और फिर उसी ग्रो किया, फिर जिस ह्यूमन होस्ट को ग्रो किया उस डायरेक्टली टू ट्रांसमिट होता है, किसके द्वारा, किसी दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट होगा, तो हेयर ब्रश के द्वारा, स्विमिंग पूल के द्वारा, टवेल के द्वारा, एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में, दूसरे ह्यूमन होस्ट में ट्रांसमिट होता है। एग्जाम्पल में कह रहा है टीनिया रबरम, यानी ए फ्यू डर्मेटोफाइट्स हैव बिकम एडेप्टेड टू ह्यूमन होस्ट एंड टर्न एंथ्रोपोफिलिक स्पीसीज। दे आर ट्रांसमिटेड इनडायरेक्टली हेयर ब्रश से, स्विमिंग पूल से, टवेल से, लेस ऑफन बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यानी क्या, स्नीजिंग से, डायरेक्ट क्या, स्नीजिंग से, कफिंग से। एग्जाम्पल के टीनिया रबरम, नेक्स्ट टीनिया, दूसरा एग्जाम्पल में टीनिया कंसंट्रेकम। एंथ्रोपोफिलिक स्पीसीज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन इन वुमेन, कॉमन कॉजेटिव एजेंट। नेक्स्ट है जूफिलिक स्पीसीज, मतलब वैसा फंगल का स्पीसीज और लेडीन एनिमल होस्ट में पाया जाता है और कुछ ह्यूमन होस्ट में उस ह्यूमन, उस एनिमल के कॉन्टेक्ट में आने से ह्यूमन होस्ट में जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट मेन क्यूर इन्फेक्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट डोमेस्टिक एनिमल में, कैट, डॉग, ये सब में नेचुरली पहले से प्रेजेंट रहता, क्योंकि वहाँ पे उनको होस्ट मिलता है एंड ओकेजनल विथ विल्ड एनिमल। एग्जाम्पल में माइक्रोस्पोरम, कैनिस, ट्राइकोफाइटोन, मेंटिग्रोफाइट्स। नेक्स्ट फंगल का स्पीसीज में तीसरा है जियोफिलिक स्पीसीज, यानी वैसा फंगल का स्पीसीज जो ऑलरेडी सोयल में पाया था। कैसे, द अकर सेप्रोफाइटिक ऑफ क्रेटिनस मटेरियल, तो हेयर, फेदर, हॉर, नेल, ये जब मिट्टी में प्रेजेंट आता तो फंगस ये जाकर के वहाँ फंगस पैदा करने लगते कुछ, और कुछ ऐसा फंगस जो ऑलरेडी सोयल होस्ट में रहता ही है। इन सोयल एंड ओकेजनली कॉज इन्फेक्शन मैन, और उससे कंटेक्ट में आने से मैन और एनिमल दोनों को इन्फेक्शन होता है। एग्जाम्पल में कौन सा, माइक्रोस्पोरम जिप्सम, माइक्रोस्पोरम जिप्सम आर नेचुरली अकरिंग सोयल डर्मेटोफाइट्स। नेक्स्ट मोस्ट ह्यूमन इन्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम एंथ्रोपोफिलिक एंड जियोफिलिक स्पीसीज का जो फंगाई है, इससे ह्यूमन होस्ट में ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा इन्फेक्शन होता। नेक्स्ट इसका क्लिनिकली टाइप में कहाँ कहाँ रिंग वर्म का इन्फेक्शन होता है, तो टीनिया कैपिस मैंने स्कॉल्प में, फुट में, उसके बाद नॉन हेयरी एरिया में, फेस में, नेक में, ये सब में ज़्यादा होता।
तो क्लिनिकल टाइप में रिंग वन कैन बी क्लासिफाई डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, किस किस साइट में, दिस इंक्लूड टीनिया कैपिटिस, इन्फेक्शन ऑफ स्कार्प, यानी स्कार्प में किस स्पीसीज से होगा, तो टीनिया कैपिटिस से होगा। टीनिया पेडिस कहाँ किस में होगा, तो फुट और एथलेटिक फुट फुट में टीनिया पेडिस होगा। टीनिया बारबरिस तो बियर्डेड एरिया दाढ़ी में होगा, फेस में होगा, नेक में होगा टीनिया बारबरिस का इन्फेक्शन। टीनिया कॉर्पिस अफेक्टेड साइड इज नॉन हेयरी स्किन ऑफ बॉडी, नॉन हेयरी एरिया जहाँ बॉडी का वहाँ किसका इन्फेक्शन होगा, टीनिया कॉर्पिस का। अब नेक्स्ट आया, इसमें तो जाने डर्मेटोफाइट्स इससे होने वाले डिजीज को डर्मेटोफाइटोसिस बोलते हैं। कहाँ का इसका इन्फेक्शन होता है, तो सुपरफिशियल केराटिनाइज लेयर यानी स्किन में, हेयर में, नेल में। और इसका जीनस भी तीन टाइप का था, माइक्रो ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और इपीडर्मेटोफाइटोन, इन सबसे अलग अलग इन्फेक्शन भी है। फिर हैबिटेट के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन, एंथ्रोपोफिलिक स्पीसीज, जियोफिलिक स्पीसीज और जियोफिलिक स्पीसीज। फिर क्लिनिकली टाइप में भी आया, टीनिया कैपिटिस, टीनिया पेडिस, टीनिया बारबरिस, टीनिया कॉपरिस। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट स्टेप में इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ डर्मेटोफाइट्स का लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो स्पेसिमेन क्या क्या लेंगे, स्किन, हेयर, नेल। तो स्किन, हेयर, नेल का सैंपल कलेक्शन कैसे करेंगे, तो स्किन का सैंपल कलेक्शन करने के लिए ना जहाँ उस फंगल का इन्फेक्शन है तो क्या करते हैं, स्किन का जो पहला लेयर होता है ना उसको ब्लंट स्कैल्पल से खुरूज करके हटा देते हैं। और नेक्स्ट दूसरा लेयर है जहाँ हल्का हल्का पानी आने लगता है उस परत में, उसको स्क्रेप करके कलेक्शन कर लेते हैं, या उस टाइम उसका जो माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, एग्जामिनेशन है, फिर डायरेक्ट हमको डायरेक्ट वेट माउंटिंग स्लाइड पर करना, तो फिर उसे सैंपल से करेंगे। और हेयर से करने के लिए हेयर, उसमें भी हेयर में देखना है कि हेयर में कहाँ इन्फेक्शन है, हेयर के रूट में है या शाफ्ट में है। अगर शाफ्ट में है तो फोर्सेप से हेयर को कट कर लेते, रूट में है तो फिर वहाँ से फोर्सेप से उस हेयर को उखाड़ लिया जाता, फिर उस बस कल्चर एग्जामिनेशन या जो टेस्ट करना करते हैं। और नेल में है तो स्लाइस रिजर से कट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में कह रहा, डायरेक्ट 10% क्योज माउंटिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सो फंगल हाइफी, ये 10% क्योज माउंटिंग करने के लिए क्या करते हैं ना, 10-20% क्योज माउंटिंग ले आते, लेकिन ज़्यादातर 10% ही लेते हैं। एक ग्लास स्लाइड लेकर के स्पेसिमेन रखेंगे, उसके बाद 1-2 ड्रॉप 10% क्योज माउंटिंग उसमें मिला है, उसके बाद उस पर कवर से रख लेते हैं। उसके बाद उसको स्लाइड को इनक्यूबेटर में 37 टेम्परेचर पे 20 मिनट के लिए इनक्यूबेट करते हैं। तो क्या करते हैं ना, जितना सारा जो क्रेटिन मटेरियल है, जो स्किन का लेयर है ना, उसको क्योज माउंटिंग डाइजेस्ट कर देता है, और जो फंगस, जो बचा फंगस वो जीव कृत्य रहता है। फिर माइक्रोस्कोपी करेंगे तो जो हमको हाइफी, नॉन सेप्टेड हाइफी जो भी फंगस मिला, फिर उसको हमको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद नेक्स्ट है कल्चरल एग्जामिनेशन, यानी माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए सैंपल कलेक्शन करके फिर पहले से एसडीएम मीडिया या ब्रोथ में या अगर फॉर्म में, तो एसडीएम मीडिया और एसडीएम मीडिया विथ एंटीबायोटिक आर यूज। कभी कभी क्या होता है ना, क्या उसमें एसडीएम मीडिया विथ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्यों यूज करते हैं, तो फंगस का सिंपल कलेक्शन करते समय ना वो जब उसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो करने का भी चांस रहता, तो क्या करते हैं पहले से मीडिया बनाने के टाइम ही एंटीबायोटिक मिला देते हैं। जैसे प्लेट में सैंपल लगाया तो 2-3 वीक तक फंगस ग्रो करने के लिए रखा जाता है, 2-3 वीक, 7-14-21 दिन तक 25-30 टेम्परेचर पे, 25-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसमें एंटीबायोटिक क्यों मिलाते हैं, कि फंगस के साथ बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाता है ना, तो फंगस से ज़्यादा हमको बैक्टीरिया ही दिखाई देगा, इसलिए वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देता, ख़त्म कर देता वहीं पे, जिससे हमको बैक्टीरिया नहीं दिखाया था, डायरेक्ट हमको फंगस मिलता। फिर उस जो ग्रो किया कॉलोनी, उसको लेकर के जो फंगस ग्रो किया ना, तो उसको कॉलोनी बोलते हैं, कॉलोनी ग्रो किया उसको लेकर के फिर हम लैक्टोफिनल कॉटन ब्लू स्टेन करके फिर उसको आप पहचानते हैं कि हाँ कौन सा फंगस है, वही हम अपना रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो वही उसके फिर उसका एक तो पहचानना है लैक्टोफिनल कॉटन ब्लू स्टेन से आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा फिर उसका हम सेंसिटिविटी लगा के कन्फर्म करते हैं कि हाँ कौन सा इसका एंटीबायोटिक रेसिस्ट करा। ठीक है, ये राड, ये डर्मेटोफाइट्स, उसके बाद उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कैंडिडियासिस और मोनोलियासिस, यानी कैंडिडा एल्बिकांस फंगस। थैंक्स ऑफ ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।